छोटी छोटी ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ, अनुष्वा, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जो बताने वाली हूँ, एक बोल सकते हैं DIY हेयर शैम्पू, कम आप बोल सकते हैं हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, वो है पाउडर। ठीक है, भृंगराज पाउडर जो है, भृंगराज का जो गुण है आप देख सकते हो, इतना अच्छा। आप गूगल में थोड़ा सा सर्च करके देख लेना कि भृंगराज है क्या। अगर आप सर्च करके देखते हो तो इसको देख के आप पक्का खरीदोगे, ये तो मुझे पक्का मालूम है। आप इसको अमेजोन से ले सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप फटाक से जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉर्मल बाजार में मिलना मुश्किल है। भृंगराज जस्ट इस टाइप का एक फ्लावर होता है और पेड़ होता है, ठीक है, जो कि इतना फायदा है, जिसका मतलब गोड़ा से लेके फ्लावर तक बहुत ही गुण, मतलब इतना गुण भरा हुआ है कि मैं एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हेयर को अच्छा बनाता है, न्यू हेयर को प्रमोट करता है, अगर हेयर अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिन है उसको ठीक करता है। देखिए, मेरा बहुत लंबा हेयर था, मेरा अगर प्रीवियस वीडियो आप देखोगे 7-8 महीने पहले का, तब का जो वीडियो था आप देखना, हाँ उस वीडियो में ना थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होता था बात करने में, क्योंकि कैमरे के सामने बात करना उतना इजी नहीं है, तो तब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता था। तो आप देखना वहाँ पे कितना लंबा मेरा हेयर था, लेकिन मैंने कट करके, आप देखना मेरा वो भी वीडियो है, इतना छोटा कर दिया था। आप देखो कितना जल्दी मेरा हेयर ग्रोथ हो रहा है, बहुत यहाँ से यहाँ तक जो 6 महीने में भी नहीं होता है उतना ग्रोथ मुझे 3 महीने में हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसलिए हेयर कट करती हूँ, जब मुझे जैसा हेयर स्टाइल बनाना होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो दोस्तों, भृंगराज जो पाउडर है ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है, कुछ भी इसका प्राइस नहीं है। मैं बताती हूँ, इसका प्राइस 60 रुपीज़ है, ठीक है, 60 रुपीज़। मैंने 120 का दो लिए थे, ठीक है, दो मिल रहा था एक साथ 120 का। तो ये हर्बल हिल्स का है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आपको तो पता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ही मैं रिव्यू करती हूँ। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आप 2-3 टाइप का मैं इसका यूजेस पहले बता देती हूँ, फिर डिटेल में दिखाती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, कितना दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या वैलिडिटी है, डिटेल में आपको अलग से दिखाऊंगी, ठीक है। पहले बता देती हूँ इसको आपको कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो आपको कोई भी किसी का भी वीडियो में नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि नॉर्मल जो होता है, हम लोग वाटर के साथ ये हेयर पैक के जैसा आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वाटर में हल्का सा आप बॉयल कर लिए वाटर, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको डाल दीजिएगा, आपका हेयर का जितना लेंथ है उस हिसाब से ये दिए देने के बाद अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे हम लोग हेना लगाते हैं या हेयर पैक लगाते हैं, वैसे आपको एकदम स्कैल्प में पूरा देना है, एकदम स्कैल्प से लेके हेयर का लेंथ तक आपको अच्छे से दे देना है। 1 घंटा रखिए, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, या तो आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने माइल्ड शैम्पू का रिव्यू तो है मेरे चैनल पे, होममेड शैम्पू का रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप देख लेना। मैं काम करूँगी इसका वीडियो का एंड में ना, मैं छोटा सा एंड स्क्रीन लगा दूंगी ताकि आप देख पाओ, तो उसमें क्या है आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज़ करने के बाद क्या शैम्पू, अगर शैम्पू का ज़रूरत नहीं मत कीजिए, अगर शैम्पू करते हैं तो, क्योंकि देखिए सिर्फ यूज़ करने से नहीं होता, इसको यूज़ करने के बाद अगर कोई कड़ा वाला कोई केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर लेंगे तो इसका काम जो आपका, इसका जो गुडनेस है वो चला जाएगा। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं सारा चीज़ आपको बताऊँ, हो सकता है मेरा वीडियो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन अच्छे से सुनना, नहीं सुनोगे अगर थोड़ा सा स्किप कर दोगे तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगा आप तक और उल्टा पड़ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से पूरा वीडियो सुन लेना अच्छे से। तो उसको आपको माइल्ड शैम्पू, हिमालय का शैम्पू आता है बहुत माइल्ड, उसका रिव्यू है, लिंक दे दूंगी लास्ट में, और होममेड शैम्पू का भी है, और एक शैम्पू है जिसमें रीठा आमला शिकाकाई भृंगराज मिक्स है, वो पाउडर से भी आपको, कौन सा शैम्पू आप यूज़ करोगे आपके ऊपर है, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम भी कई हद तक आपका कम आने लगेगा, अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए 17-18 ईयर्स के हैं तो अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ग्रे हेयर प्रॉब्लम होना कम हो जाएगा, एजिंग साइंस तो है ही, एज तो होगा, बल आपका व्हाइट होगा ही, लेकिन ये सब यूज़ कर डिले कर सकते हैं इसको, हेयर क्वालिटी भी अच्छा होगा, हेयर भी अच्छा रहेगा। और एक इसको मैं सबसे ज़्यादा जिस तरह से यूज़ करती हूँ वो है, हमें जाना है कहीं पे भी जाना है लेकिन हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है, इवनिंग को जाना है कहीं पे और
रात को कहीं पे अचानक से प्रोग्राम फिक्स हुआ लेकिन हेयर बिल्कुल ऑयली है, दिन इसे ठंडा लग जाएगा। और भी एक है वो उस हिसाब से आपको क्या करना है, कहीं पे जाना है तो इसको मैं कैसे यूज करती हूँ, खोलती हूँ ठीक है। का हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है और अचानक से आपको कहीं पे जाना है ठीक है, ऑयली है बिल्कुल, हेयर ऑयली हो चुका है, शैम्पू कर नहीं कर सकते। और आपको तो पता है मैं केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पहले बहुत ज़्यादा हेयर का प्रॉब्लम था। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ले लेना है हाथ पे ठीक है, ये DIY बोल सकते हैं आप एक बार इसको करके देखिए, फिर मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर थैंक्स देंगे। ले ली इतना सा, लेने के बाद आपको जस्ट अपना स्कैल्प में इतना सा ऐसे लिए और ऐसे ऐसे दे देना है। पहले थोड़ा सा आप स्कैल्प में देखें, ऐसे देंगे ना बिल्कुल, आप ऐसे करके पूरा हेयर स्कैल्प में दे दीजिए ठीक है, पूरा हेयर स्कैल्प में ऐसे करके आप देंगे तो बिल्कुल लगेगा कि आपने कोई शैम्पू किया है, हेयर शैम्पू किया। ये मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। और क्या होता है, हेयर स्प्रे जो है, हेयर स्प्रे शैम्पू मैंने कभी खरीदा नहीं है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं बता सकती वो कैसे काम करता है, बट मुझे इतना पता है कि वो केमिकल्स होते हैं ठीक है। और ये भृंगराज जो है एक पेड़ है जो ड्राई करके आपके पास आ रहा है, तो नॉर्मल चीज़ है स्प्रे करके, उससे हो सकता है उससे आपका हेयर खराब हो सकता है जो केमिकल वाला है ठीक है। और ये तो पेड़ है, इसको लगाने से जो कि इतना हेयर के लिए अच्छा होता है वो आप स्कैल्प में थोड़ा सा देखिए, ऐसे 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 करके, शैम्पू करने का मन नहीं है तो ऐसे करके दे दो। इसका जो स्मेल है ना, वो स्मेल आप बोल सकते हैं, आपको जैसे आयुर्वेदिक चीज़ों का स्मेल होता है वैसा है, तो थोड़ा सा आप परफ्यूम लगा लीजिए, क्या है इसमें, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लीजिए, इससे क्या होगा आपका हेयर प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हेयर स्कैल्प भी अच्छा रहेगा और आपका हेयर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा, ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर में इन डिटेल में क्या क्या है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ये हर्बल हिल्स का है जो कि बहुत रेपूटेड कंपनी है, आपको अमेजोन में मिल जाएगा, इसका लिंक दे दूंगी ताकि, क्योंकि बाज़ार में आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। और ये देखिए लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये जो पेड़ है ना आपको आसपास में मिलेगा लेकिन हम लोग जानते नहीं इसको कि ये भृंगराज है। ये बहुत ही मतलब इसका जो गुण है, मतलब एकदम गोड़ा से लेके फ्लावर तक इसका गुण है। मैंने इसको इतना यूज़ किया है, एक तो बॉक्स ख़त्म हो गया और ये दूसरा है, मैं ड्राई शैम्पू की तरह भी यूज़ करती हूँ, पैक भी बनाती हूँ इससे। या यहाँ पे जो लिखा है इसको खाते भी हैं, और ये हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली है, ये हेयर ग्रोथ होता है, ओवरऑल आपका हेयर हेल्दी हो जाते हैं, हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे डोज लिखा हुआ है, टेक 3 grams पाउडर 1 to 2 times ए डे और एज एडवाइस बाय द फिजिशियन या प्रेग्नेंट वोमेन, इसको बिना पूछ के बिल्कुल ना यूज़ करे, पहले अपना फिजिशियन से पूछ ले फिर आप इसको यूज़ कर सकते खाने के लिए ठीक है। इसका प्राइस है 60 rupees, 2 साल इसका वैलिडिटी है, 2018 से लेके 20 तक, मतलब 2 साल आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत टाइम है, ये आपका ख़त्म होके फिर नया लाना पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ इसको एक बार लाके आपको फिर से मंगवाना पड़ेगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ऑनलाइन में ही अवेलेबल ज़्यादा है, इजीली आ जाते हैं, मैं सारा चीज़ ऑनलाइन में ला लेती हूँ क्योंकि फिर ख़रीदने जाओ इधर उधर जाने आने में भी टाइम लगता है और मिलेगा भी नहीं, तो इससे अच्छा है मैं क्यों ना ऑनलाइन ले लूँ, सस्ता भी पड़ जाता है। और बुरा लगा कि अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, कोई नया वीडियो चाहते हो तो वो मुझे लिखना, मैं उसके बारे में रिव्यू दे दूंगी बिल्कुल भी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, दूसरे शेयर करना, मैं अनुषा फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रूठे ना मुझसे, मेरे साथ ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर जरा जरा महकता है आज तू मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम मुझको सनम दूर कहीं आजा, ये दूरी कहती है साथ मेरे आजा रे। जरा जरा महकता है
बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, ऐ मेरी कसम मुझको सनम दूर में एक।